हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों, मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं मोदी केयर के जो हेल्थ सप्लीमेंट हैं जो कि हमें स्वस्थ रखने में बहुत ही मददगार होते हैं, उनके बारे में आज बताऊंगा कि कौन सा सप्लीमेंट किस बीमारी में काम में आता है और किस बीमारी से हमें बचाता है। तो इसको जानने से पहले, मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बनता है तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि अस्थमा किसी को है या तो एलर्जी है, श्वास संबंधी किसी प्रकार की समस्या है, तो उसमें कौन सा सप्लीमेंट काम करेगा। तो पहला होता है दोस्तों गार्लिक। गार्लिक का जो पल्स आता है, जो कैप्सूल आता है, उसको आप सेवन करिए। उसके साथ साथ नोनी जूस या नोनी टैबलेट लीजिए और मल्टीविटामिन लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर है, आपके जो अस्थमेटिक पेशेंट है या सांस की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके साथ आप जो है फ्लैक्स ऑयल भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है। तो आप ये चार प्रोडक्ट अस्थमा या श्वास संबंधी बीमारी में आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को बवासीर की शिकायत है तो आप जो है नोनी का टैबलेट लीजिए या तो नोनी का जूस लीजिए। उसके अलावा जो है फ्लैक्स ऑयल लीजिए। और दोस्तों, इस समय बहुत ही जल्द आपके बीच में लॉन्च हुआ है त्रिफला का टैबलेट, त्रिफला आप ज़रूर लीजिए। और इसके अलावा अगर किसी और लीवर संबंधी समस्या है आपको तो आप डिटॉक्स भी ले सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। डाइजेशन संबंधी समस्या है तो इसमें आप मल्टीविटामिन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट नोनी, फ्लैक्स ऑयल और जो है त्रिफला का टैबलेट और डिटॉक्स और जो है मल्टीविटामिन आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको गैस की समस्या है तो आप त्रिफला का टैबलेट ज़रूर लीजिए और पुदीना तुलसी, नोनी का टैबलेट लीजिए, डिटॉक्स लीजिए और अमृत शक्ति या जो तुलसी का जो आता है टैबलेट उसको भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, पुदीना तुलसी का जो आता है आप उसको भी ले सकते हैं खाली पेट में। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को शुगर संबंधी बीमारी है तो आप नोनी का टैबलेट लीजिए, फ्लैक्स ऑयल लीजिए और स्प्रिलिना लीजिए। और इसके साथ साथ आप चाहें तो जो त्रिफला का टैबलेट आया उसको लीजिए। त्रिफला का टैबलेट तो हर कोई ले सकता है दोस्तों, इसलिए कि हमारे डाइजेशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है तो डिटॉक्स लीजिए और इंटेलेक्ट लीजिए और ब्रेन एक्टिव भी आप चला सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और कमजोरी लग रही है तो मल्टीविटामिन इसमें आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को गठिया की शिकायत है तो आप नोनी का जूस या नोनी का टैबलेट लीजिए, गार्लिक भी ले सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल लीजिए, कैल्शियम और जो है दोस्तों ग्लूकोजा माइन ज़रूर लीजिए किसी को जो है, क्योंकि हड्डियों के बीच में जो हमारा जो है कार्टिलेज जो होता है घिस जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ग्लूकोजा माइन उसमें जो है फिर से रिपेयर करता है। तो ग्लूकोजा माइन, कैल्शियम ज़रूर लीजिए, उसके साथ साथ आप नोनी ले सकते हैं और गार्लिक फ्लैक्स ऑयल भी चला सकते हैं। स्त्रियों के लिए मैं बता दूँ कि अगर किसी प्रकार की समस्या है, महिलाओं में लिकोरिया की शिकायत हो या इस प्रकार से कमजोरी हो, तो आप जो है नोनी का जूस या टैबलेट लीजिए, स्प्रिलिना लीजिए, कैल्शियम ज़रूर लीजिए दोस्तों। और इसके अलावा अगर कमजोरी लग रही है ज़्यादा तो आप जो है मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी को आँख संबंधी समस्या हो या दिमाग तेज़ करना हो तो इंटेलेक्ट लीजिए और जो है ब्रेन एक्टिव चलाइए, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। और आँख संबंधी समस्या है तो आप उसको नोनी टैबलेट भी चला सकते हैं क्योंकि उसमें आयरन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जोड़ों के दर्द के लिए फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन ज़रूर चलाएँ दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा किसी को अगर बीपी की समस्या हो तो बीपी कंट्रोल करने के लिए कार्डियो एक्टिव और फ्लैक्स ऑयल चलाइए, आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। और इसके साथ आप चाहें तो नोनी भी चला सकते हैं क्योंकि वो भी चलाने से बीपी कंट्रोल रहता है। एलर्जी किसी को है शरीर में कहीं भी तो आप जो है फ्लैक्स ऑयल लीजिए, गार्लिक लीजिए, नोनी लीजिए और टिट्री ऑयल का प्रयोग करिए, थोड़ा सा नारियल के तेल में मिला करके पूरे शरीर में लगाइए, एलर्जी आपकी जो है सही हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, किसी बच्चे को अगर आपको देना है सप्लीमेंट तो स्मार्ट और स्ट्रांग आप दे सकते हैं। और थायराइड की किसी को समस्या है तो फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम और स्प्रिलिना आप चला सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। किसी को कैंसर संबंधी समस्या है दोस्तों तो नोनी
और स्प्रिना फ्लेक्स आयल दीजिए, ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। किसी को जो है लकवा की शिकायत है या नर्वस प्रॉब्लम है तो आप कार्डियो एक्टिव फ्लेक्स आयल, गार्लिक पल्स और जो है कैल्शियम चलाइए। इसके साथ आप चाहें तो नोनी भी चला सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होगा। किसी को दाद खाज है तो टीट्री आयल, डिटॉक्स और फ्लेक्स आयल चलाइए, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। टीट्री आयल डायरेक्ट आप जो है जहाँ दाद है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, वहाँ लगाइए, और फ्लेक्स आयल डिटॉक्स जरूर दीजिए, यह बहुत ही फायदेमंद होता है स्किन डिजीज़ के लिए। अगर किसी का बहुत तेज़ी से बाल झड़ रहा है तो उसमें जो है आप टीट्री आयल नारियल के तेल में दे दीजिए लगाए, और जो है दोस्तों डिटॉक्स जरूर चलाइए। उसके साथ आप जो है मल्टीविटामिन चला सकते हैं, स्प्रिना चला सकते हैं और नोनी जूस चला सकते हैं अगर कमजोरी शरीर में लगती है तो। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को वज़न घटाना है तो आप खाली पेट गर्म पानी में जो है प्रोटीन क्रस्ट लीजिए। इसके साथ जो है दोस्तों आप फ्लेक्स आयल, दो फ्लेक्स आयल सुबह, दो फ्लेक्स आयल शाम को और डिटॉक्स जरूर लीजिए, आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटेगा। इसके साथ आप चाहें तो स्प्रिना भी उसमें शामिल कर सकते हैं। आप जो है अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आप प्रोटीन क्रस्ट को जो है खाने के बाद दूध में लीजिए और मल्टीविटामिन और स्प्रिना लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया जो मोदी केयर के सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। किस किस बीमारी में कौन से सप्लीमेंट काम करेंगे और कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, तो इसका प्रयोग आप करें और दूसरों को भी बताएं। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना न भूलिएगा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।